हेलो गाइज, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। अभी मैकेनिक्स के टॉपिक के 60 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, 60 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करूंगा। मैकेनिक्स के बाद हम जो है टॉपिक उठाएंगे हीट एंड टेम्परेचर, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रहे आज मैं क्या क्या बात बोल रहा हूँ। 500 प्लस क्वेश्चन देने वाला था, जिसको बढ़ा के मैं टोटल अब 800 एमसीक्यू कर दिया। टोटल थ्योरी के साथ 800 आपके एमसीक्यू कर दिए, तो फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगी। अब इस पीडीएफ में टोटल हमने 8 चैप्टर पढ़ाने थे आपको क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें मैंने चार चार चैप्टर में बांट दिया, चार चैप्टर अभी और चार चैप्टर नेक्स्ट शेड्यूल में। इसको इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें वेव, लाइट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इंक्लूड होगा, और सेमीकंडक्टर भी हमने थोड़ा डाल दिया ताकि किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे बात करता हूं मैं कि ये पीडीएफ आपको जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, एक तो टेलीग्राम में लिंक पे मैं दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे दूंगा। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होता हो बेशक कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने 60 एमसीक्यू बेस्ड ऑन अपने जो चैप्टर के प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, मैकेनिक्स का अपने टॉपिक देख लिया था, कंप्लीट थ्योरी हमने करा दिया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अब हम इसी के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, इसके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके CGL, JEE, RRB, CHSL की BPSC इनके क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बात रही पीडीएफ की, तो बच्चे जिस तरीके से पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूं, है ना। और मैं कोशिश ये भी करता हूं कि कंप्लीट हो जाए जल्दी से, तो पूरे सिलेबस के फिजिक्स को ही डाल दूंगा, ताकि आप पहले पढ़ लो फिर आगे बैठोगे इसको करने के लिए तो हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर उठाएंगे हीट और हीट से रिलेटेड टर्म टेम्परेचर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन जी ऑफ लॉ ग्रेविटेशनल, तो ये NCERT क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो जो जी का जो वैल्यू होता है हमने बताया था कि वो क्या होता है, जी कैपिटल जी इंडिपेंडेंट, ये कांस्टेंट होता है और किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट के मतलब कोई पे डिपेंडेंट तो नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस, यानी हमारा डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है आपके लिए। ये CGL का क्वेश्चन है, द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, किसके कारण एटमोस्फेरिक एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हो ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण एटमोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इज, इंटेंसिटी जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये अर्थ है, हमने बताया था इक्वेटर पे मिनिमम और पोल पे मैक्सिमम होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, राइट आंसर इज पोल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखता हूँ मैं यहाँ पे। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर से अगर मैं इक्वेटर से पोल की ओर जाऊँ, नॉर्थ पोल, द वैल्यू ऑफ जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी का वैल्यू जो होता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ऐसे कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज करेगा। जैसे ही आप इस जी से इस जी के पास जाएंगे तो जी का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ जी ऑन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम the surface of earth and dies incoming down from the surface of earth, अगर surface of earth से ऊपर की ओर जाएँ तो g का मान क्या होता है, घटता है, और ऊपर से जब नीचे की ओर आए तो g का मान हमारा बढ़ता है। तो क्या होगा, पहले हमारा टर्म होगा पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, d इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है If the angular velocity of the earth decreases, then angular velocity of earth का अगर decrease कर जाए तो ऐसे condition में क्या होगा, यानी earth अपने rotation spin में जो है कमी ला दे तो क्या condition exist करेगा, तो ऐसे condition में होगा the value of acceleration due to gravity increase, क्यों, क्योंकि समझिए यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ये स्पिन कर रहा है अपने पे, अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है और ये ऑर्बिट में भी स्पिन करता है, तो खुद पे जब स्पिन कर रहा है तो एक फोर्स इधर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं ना, अपसारी और अभिसारी दोनों फोर्स लग रहे होते हैं, अगर इसकी स्पिन घट गई तो इधर से लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, और ये कम होगा तो जी का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगा।
चलिए, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर पृथ्वी रुक जाए तो बताइए कहाँ पे जी का मान बढ़ेगा, तो देखिए इक्वेटर पे जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला फोर्स क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इक्वेटर पे जी का मान बढ़ जाएगा, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोल तो अपने एक्सिस पे रहता है और यहीं घूमते रहता है ना, इक्वेटर मूव करता है वो तो अपने एक्सिस पे ही रहता है 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वेट ऑफ ए बॉडी इन डिक्रीजेज व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू, कह रहा है वेट ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, कब वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज कर जाता है, व्हाइल गोइंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, अगर इक्वेटर से हम दूर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे यहाँ पे कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होते हैं क्या होता है इक्वेटर ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण ये चीज़ें होती हैं। यानी क्या होता है इसका मतलब, अगर कह रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे उसका वेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस पे जी वेट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हो है इक्वेटर पे कि सेंट्रिपेटल फोर्स जो होंगे यहाँ का फोर्स है ना वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, उसी के कारण ये हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाइल ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, अगर कोई बॉडी को अर्थ से मून की ओर पर ले जा रहा हूँ, अर्थ से मून पर ले जा रहा हूँ तो क्या एग्जिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन वेट में चेंज होता है ना, वेट चेंजेज बट मास रिमेंस सेम, क्लियर, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इन चीज़ों को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 में वन फील्स हेवियर इन अ लिफ्ट, अगर कोई बंदा लिफ्ट में भारीपन ज़्यादा महसूस करता है इसका मतलब क्या है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो आप कह सकते हो यहाँ पे तो लिफ्ट क्या हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जस्ट बीइंग टू गो अप, यानी आप कह सकते हो ऊपर जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट तो ऑब्वियसली अर्थ का क्या होता है, जीरो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मैन इनसाइड आर्टिफिशियल टू सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज जीरो, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जीरो एट दैट प्लेस ड्यू टू द मून, एज दैट द प्लेस ड्यू टू द मून, जिस तरीके से मून अपने सर्कमफ्रेंस में मूव करता है ना, तो वहाँ भी कोई वस्तु जैसे चांद पे आप रहोगे, चांद पे कोई वस्तु जिस तरीके से फेंक दोगे वो वैसा ही रहता है, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ जी का मान कम है। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर मूव करता है बहुत तेज़ी से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जी का मान क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, क्या होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कभी भी अर्थ की ओर फॉल डाउन नहीं होता, क्यों, प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड टू स्टडी स्टेट मोशन, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट कोई मूव करता है अर्थ की ओर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि एक जो मोशन चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वो इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक फोर्स तो लग रहा होता है ना, एफ समानुपाती m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, तो वो नहीं खींच पाता है इस फोर्स के कारण। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा सीम पूछा गया है, द स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट विल बी, अगर सैटेलाइट में किसी का स्पून ड्रॉप हो जाता है एस्ट्रोनॉट का तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ये हमारा अर्थ है, ये अंतरिक्ष में हमारा कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर किसी का चम्मच अगर गिर भी जाता है उस सैटेलाइट के अंदर तो वो भी उसी रफ्तार से मूव करेगा, ठीक है ना, वो भी उसी रफ्तार से क्या करेगा, मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉल टू दी फ्लोर ये ऐसा हो नहीं सकता है ना, रिमेंस स्टेशनरी ये भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा हमारा कंटिन्यूटी टू फॉलो द मोशन ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट, उसमें घूमता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे,
द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज, हमने क्लास के अंदर कराया है, ये आपसे आंसर आना चाहिए। कितने टाइम लगते हैं जी? 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना होता है जी? 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। अगर रियल बोले तो कितना होता है? 35,800 के आसपास, और रियल बोले तो 35,786 किलोमीटर की दूरी होती है अर्थ के सरफेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट द रिवोल्यूशन प्रोग्राम्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर बिकॉज, क्यों? क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है? स्टेशनरी। अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन हम कह सकते हैं विच वन इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं, आप कह सकते हो इसे कंडीशन में पीरियड इज इक्वल टू, है ना, पीरियड इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अक्रॉस इट्स अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, कह रहा है कि इफ द बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड, ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ना, ये सब क्लास के अंदर कराए हूँ कि कोई किसी के अक्रॉस रिवॉल्व करे, PDF में आप पढ़ लो, आपको ये डिफिनेशन ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सेटेलाइट इज डिपेंड ऑन, किसी सेटेलाइट के पीरियड जो पीरियड काल यानी रिवोल्यूशन के जो आवर्तकाल होते हैं वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है? द हाइट ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि सरफेस के किसी के अर्थ के सरफेस से वो किस हाइट पे है, ये डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये सारी चीज़ें इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जल्दी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आपके, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होने वाला है। तो SSC JEE या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए जी? अगर जिस रफ्तार से ये घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, रफ्तार नहीं बोल सकता हूँ, टाइम में, तो टाइम में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, 24 घंटा में ये भी चक्कर लगाता है और 24 घंटा में ये, तो जीरो डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द समर एंड विंटर सीजन इन ए ईयर आर कॉस्ट, गर्मी, आप कह सकते हो गर्मी और जाड़ा जो होते हैं, सर्दी है ना, वो किन कारण से होते हैं? तो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है और उसका एंगल जो टिलनेस होता है, आप कह सकते हो कोई अर्थ है वो अपने एक्सिस से झुका हुआ है, कितना डिग्री झुका हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि कितना डिग्री झुका हुआ है। ठीक है ना, आप लोग खुद डालेंगे इस चीज़ों को। तो चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या होगा हमारे लिए कि इस टाइप के किस कॉज से होता है? रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस के कारण, क्योंकि अगर मैं बात करूं इंक्लाइंड होने के कारण, कभी धूप यहाँ पड़ती है तो कभी यहाँ पड़ती है, इस तरीके से होता है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम द सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, किन कारणों से दिन और रात के टाइमों में अंतर होता है? तो ये किसके कारण से होता है जी? आपने तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्ड एक्सिस। क्लियर ना? तो 22 का हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में बोल रहा है व्हेन शिप एंटर्स द सी फ्रॉम द रिवर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई शिप जो है इंटर करता है सी से रिवर में, तो जो आप कह सकते हो समुद्र का पानी खारा होता है, तो जहाज का जो शिप होते हैं उसका हाइट थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है ना, राइज कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर दे अप थ्रस्ट ऑन इट विल बी, FCI का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है? इक्वल होने के कारण वो अप थ्रस्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अप थ्रस्ट के कारण ए होगा, सेम वाटर वहाँ पे आगे फॉरवर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सेंड ए बॉडी बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड,
तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सेंड ए बॉडी, किसी बॉडी को भेजने के लिए कम से कम जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी चाहिए जी, स्केप वेलोसिटी, जहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, ये है अर्थ, ये है ऑर्बिट। तो इस बीच में एक ऐसा जोन आता है जहाँ से इस जी को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हम एक एडिशनल फोर्स देना पड़ता है और वो वेलोसिटी कहलाती है स्केप वेलोसिटी, जहाँ के बाद कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम स्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट लॉन्चिंग। मिनिमम स्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर। ये नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है ना, तो 11 किलोमीटर दिया है, ऐसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेक ऑफ एटमोसफेयर अराउंड द मून इज ड्यू टू, किन कारण से मून पर जो है एटमोसफेयर वातावरण की कमी है, इसका रीजन क्या है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे लॉ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और दूसरा हाई स्केप वेलोसिटी, आप कह सकते हो यहाँ पे लो है, स्केप जो वेलोसिटी है वो क्या है, लो है, और लो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसके कारण एटमोसफेयर क्या होता है मून पे कम से कम एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लाउड फ्लोट इन एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ देयर, आप क्या कह सकते हो, क्लाउड जो है एटमॉस्फेयर में है फ्लॉट करता है, क्यों, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉम प्रिडिक्टेड एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, स्ट्रॉम जो है यानी साइक्लोन कह सकते हो, वो प्रिडिक्ट किसके द्वारा था, बेरोमीटर के द्वारा, और वो स्ट्रॉम कब इंडिकेट करता है, जब बेरोमीटर का HG जो होता है वो सडनली गिर जाता है, तो हम कह सकते हैं फॉल्स सडनली, ठीक है ना। तो 29 में हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स सडनली। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे PDF जो हैं आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीदर एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब कि हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं अगर पहाड़ पे ही मान लीजिए, तो वहाँ पे सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्यों, ड्यू टू लो एयर प्रेशर, कम एयर प्रेशर होने के कारण। तो राइट आंसर इज ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन टू ए लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी पानी से बनने वाला भाप का प्रेशर उतना ही हो जाए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो, तो उसी को क्या कहते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड बॉइल्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, कह रहा है, वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन हिल्स बिकॉज, कमे टेम्परेचर पे पहाड़ियों पे क्या होता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कमी टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उसको भाप को ऊपर निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन हम कह सकते हैं वहाँ पे इट इज़ कॉल्ड ऑन हिल, नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड हिल, नहीं है, देयर इज डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन हिल, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33, एडहेसिव फोर्स इज, देखिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है, हालांकि एडहेसिव फोर्स है ना, उसके बाद कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इसके बारे में आगे हम आगे चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ आ गया है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए एडहेसिव क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला उसको बोलते हैं एडहेसिव, और दो सेम मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ लगने वाला उसको कहते हैं कोहेसिव। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, आपने देखा था बेरोमीटर, तो बेरोमीटर में मरकरी देखना, मरकरी की हाइट ऊंची थी है ना, और ये ग्लास और मरकरी के बीच जो रिलेशन था वो गैप था, यानी कहीं भी आप देखोगे मरकरी को रख देते हो ये ट्यूब ग्लास के अंदर अगर, तो मरकरी ऐसा शेप बनाता है, तो सेम मरकरी के मॉलिक्यूल्स मिल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ये हाइट पे बनाता है, लेकिन यहाँ देखिए ये कांच का ग्लास है और ये मरकरी है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये दूर हटा हुआ है, एक दूसरे को खींचा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव फोर्स क्या है, ऑपरेटिंग फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑफ ए सब्सटेंस, नहीं, ऑपरेटिंग फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 34 कह रहा है हमारे लिए, सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड इज ड्यू टू, किसके कारण होता है जी, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव
किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव तो हमारा होता है किसके कारण? कोहेसिव फोर्स बिटवीन दी मोलिकूल्स, क्योंकि वाटर जो है अपना सरफेस एरिया एकदम लिमिट करना चाहता है। कहीं वाटर की बूंद होते हैं तो वो सरफेस टेंशन एकदम कम एरिया में ही करना चाहता है। तो क्यों? वाटर का अपना क्या होता है? कोहेसिव फोर्स। तो ये सब पॉइंट आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा और आगे आपसे चाहूंगा कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, नेक्स्ट आगे करा दूंगा सारे क्वेश्चन को। फिर आ गया है, वाटर ड्रॉप्स कैन नॉट स्टिक इन ऑयली सरफेस। क्यों? वाटर ड्रॉप जो है नहीं चिपक पाता ऑयली सरफेस पे। इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स। एक वाटर और मैं बात करूं ऑयली चीज़ का, तो दोनों डिफरेंट मैटर हो गया। तो एडहेसिव फोर्स हमेशा कम होता है, कोहेसिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है। तो लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स, कम एडहेसिव फोर्स होने के कारण। तो हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे, जबकि इन सब चीज़ों को मैं आगे देखूंगा। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन इसमें दो चार क्वेश्चन आ गए हैं शायद, तो इसको मैं आगे ज़रूर देखूंगा। एक क्वेश्चन है जो कई बार आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आ गया है तो मैं चाहूँगा उसको डिस्कस कर ही दूँ। यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है, बॉल पेन फंक्शन ऑन दी ऑफ किसके कारण होता है? जी, सरफेस टेंशन के कारण, है ना, बॉल पेन। आएंगे यहाँ से आ गया फिर अपने चैप्टर का। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दूसरे चैप्टर के इंक्लूड हैं, हम इसमें फिर आगे डिस्कस करेंगे। कह रहा है दी वैल्यू ऑफ जी, बड़ा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया, ये तो आर भी कहीं दिया हुआ, इसमें बहुत सारा और है जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है जी? आपको राइट आंसर करेंगे इसके लिए। तो क्या होता है जब आप इसकी आंसर देंगे तो याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। 6.63 है ना, 73 कॉन्स्टेंट पावर -11 nm, यूनिट भी ध्यान रखना है, यूनिट भी आपको याद रखना है, नहीं तो ये चीज़ें आपके मिस्टेक हो जाता है। सेम चीज़ दिखता है तो कोई भी टिक लगा के आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, IAS 2003 का पूछा हुआ है, द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर श्रंक्ड। अगर रेडियस, अर्थ का रेडियस क्या हो जाए? थोड़ा छोटा हो जाए, श्रंक्ड हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो और बोल रहा है श्रंक्ड बाय 1%, कितना से? रेडियस जो उसका 1% से गिर जाए। द मास रिमेन्स सेम, मास में कोई चेंजेस जबकि नहीं बोला। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस वुड बी, क्या होगा जी का वैल्यू तब ऐसे कंडीशन में? तो देखिए, जी का वैल्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम मास का स्क्वायर बटा अर्थ, मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर ये 1% से गिरेगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, बढ़ना तय है, तो डिक्रीजिंग ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में ऑप्शन है। अब देखिए, 1% से कोई चीज़ अगर घट रहा है और उसका स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये 1% से ज़्यादा से ही बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो क्या 0.5 से बढ़ सकता है कि नहीं? अगर 1% से कोई चीज़ घट रहा है तो उधर जो जी का मान है वो बढ़ेगा, और 1 से ज़्यादा ही से बढ़ेगा तो राइट आंसर क्या होगा? 2% से, है ना, तो इंक्रीज कर रहा है 2% से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्रैश कोर्स है इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बाकी आप लोग कहेंगे तो मैं आगे इसका फुल कोर्स कराऊंगा और ऑन बोर्ड कराऊंगा। बहुत अच्छे से फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा, किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो 4 से 5 नंबर कम से कम फिजिक्स के बन जाएंगे। आँख बंद करके आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार आपको करना है और PDF देख लेना है, या ये बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, आप उसको रख लेना, बस एक बार टिक ऑफ कर लेना। एक बार पढ़ने के बाद कभी फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लटकेंगे। SSC JEE में मैक्सिमम 7 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, CGL के अंदर बात करें तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? इक्वेटर, हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन रह गया। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, किस प्लेस पे? ये CGL 2017 का क्वेश्चन पूछा है, वेट जो है मैक्सिमम है, ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से किया है। एट द पोल, पोल पर क्या होता है जी? वेट मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 कह रहा है द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है? जीरो, क्योंकि जी जीरो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 द वेट एक्सपीरियंस्ड इन ए स्पेसशिप इज ड्यू टू, जो है वेटलेस जो है आप भारहीन महसूस करते हैं स्पेसशिप, इसका क्या रीज़न होता है? तो इसके रीज़न होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, है ना, वही ना, इसके अराउंड क्या होता है? मूव करता है, ठीक है।
जियो स्टेशनरी स्टेशनरी, यानी जियो का मतलब ही होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। तो अर्थ जिस रफ्तार से अर्थ का 24 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये भी 24 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है, दिस इज नोन एज जियो स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, कौन इनमें इलास्टिक है जो जिसको खींचने पे ज़्यादा वो नमरता चला जाए। रबर ज़्यादा करूँगे टूट जाएगा, क्ले टूट जाएगा, प्लास्टिक टूट जाएगा, स्टील को कितना भी खींचो जल्दी नहीं टूटता, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ किसका होता है जी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एम बाई वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिएगा यहाँ पे एक आध क्वेश्चन के ऑप्शन, जब इसको फाइनल आपको ऑप्शन दिखेंगे ना यहाँ पे, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन के ऑप्शन आपको मिसमैच हो चुका होगा, तो यहाँ पे जो मैं कराए हूँ वो राइट है और जो आपको मिसमैच है उसको करेक्शन आप कर लेना पीडीएफ के अंदर। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखता हूँ, सोप बबल्स अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, किसके कारण सोप बबल जो होता है स्फेरिकल शेप अटेन करता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। फिर ये आगे के चैप्टर के आगे क्वेश्चन, ठीक है ना, स्फेरिकल के बारे में हम यहाँ से ये सब चीज़ पढ़ेंगे। पूछा है, बोला है द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल, किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ ए बॉडी मूव्स अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, एक सर्कल में अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो नो वर्क डन ऑन इट, तो कोई कार्य इस पर नहीं होता। सीजीएल के एसएससी के 2014 में पूछे गए क्वेश्चन से, ये सब ध्यान रखना आप, ओके। चलिए नेक्स्ट है, व्हाइल असेंडिंग यानी जब आप क्या करते हो, चढ़ते ऊपर की ओर हो, हील पे ऊपर की ओर चढ़ते हो, द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप द गियर रेशियो, ऑब्वियसली जब ऊपर चढ़ोगे और कर्व में ये रहता है ना, तो आपको गियर रेशियो एक या एक से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, एक या एक से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, यानी मोर देन एक हो सकता है या एक के इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइंड होते हैं, ये दूरी इस तरीके से कर्व में होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है, तो एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो गियर रेशियो क्या होता है, इक्वल टू, एक ऑप्शन एक चल सकता है, लेस देन हो नहीं सकता, ग्रेटर देन भी चल सकता है, आइदर इक्वल और ग्रेटर देन, तो ये हमारा सबसे सुटेबल आंसर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज नॉन एस, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन है ना, स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स बोला जाता है। चलिए ओके आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है एक बुलेट हिट्स किया जा रहा है एंड गेट्स एम्बेडेड किया जा रहा है इन ए सॉलिड, किसी सॉलिड ब्लॉक्स में, और वो रीस्ट्रेनिंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस कर रहा है टेबल पे, व्हिच ऑन फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कौन से फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहते हैं, इस कंडीशन में हम कहते हैं मोमेंटम हमारा क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं ना, मोमेंटम हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी नहीं, फोर्स नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल और करंट को हमने बोला था स्केलर और वेक्टर दोनों में रखा जाता है, ऐसे कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, लेकिन एग्जाम में टेंसर नहीं देता है तो हमेशा इसको किस में रखा जाता है, स्केलर में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैक्टर क्वान्टिटी, वैक्टर कौन नहीं है, स्पीड वैक्टर नहीं है, बाकी ये डिस्प्लेसमेंट तो वैक्टर है, वेलोसिटी वैक्टर है, टॉर्क भी वैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चलेगा, देखिए द स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, लेकिन कहाँ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट स्पीड में भी एग्जिस्ट करता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए पहाड़ पर जब आप चढ़ रहे हो ना, तो पहाड़ पर जब चढ़ते हो तो आप देखना उसी एक्सेलरेशन मेंटेन रखो, आप बाइक को चला रहे हो और अगर एक्सेलरेट नहीं करोगे तो स्पीड घटने लगता है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तभी कांस्टेंट स्पीड रहता है। क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइनमेंट होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट लाइन तो होते नहीं, इंक्लाइनमेंट होने के कारण आपको बाइक की एक्सेलरेशन बढ़ानी पड़ती है तभी कांस्टेंट स्पीड होता है। तो माइट भी एक्सेलरेटेड हो सकता है, एक्सेलरेटेड हो कोई चीज़ कई बार जब कांस्टेंट स्पीड हो तब भी ऐसा होता है, तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर, इसके अलावा और कोई भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर होगा वो टेम्परेचर और हीट होगा, इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।